हाय गाइस, दिस राइट एकेडमी और मैं हूं रमेश कुमार। आज हम लोग करेंगे बायोलॉजी का सेकेंड पार्ट, जिसके तहत मैं आप लोगों को करवाऊंगा कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट है क्या। कार्बोहाइड्रेट को एक्चुअली इसका सरलतम समझिए सैकराइड के रूप से जानते हैं। सैकराइड का अर्थ होता है शुगर, है ना। तो सैकराइड का क्या अर्थ होता है, सीधे शुगर। तो सबसे पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कंसिस्टिंग क्या है, किस किस से बना होता है। तो एक्चुअली तीन प्रकार के बायो मॉलिक्यूल होते हैं इसमें, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो है ना, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों से मिलकर बना होता है। नॉर्मली इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2nOn, है ना। n कोई भी नंबर रख लीजिए, तो CnH2nOn। इसमें एक्चुअली इसका अगर और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूँ तो CnH2O इंटू एन कर सकते हैं, सिंपली कर सकते हैं। इट मीन्स दिस इज अ हाइड्रेट, यानी कि वाटर, एंड दिस इज अ कार्बन। इट मीन्स कार्बन का हाइड्रेट, है ना। इसमें दूसरी चीज ये भी है कि इन तीनों का रेशियो क्या रहता है, 1:2:1, है ना। इन एटम जो है इनका रेशियो रहता है 1:2:1, यानी कि ये वाला हम लोगों को पता है कि ये वाला रेशियो, जैसे वाटर में H2O1 का, यानी कि पानी में भी यही रेशियो होता है, दो हाइड्रोजन और एक क्या ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो सेम वही रेशियो होता है, इसलिए इसे हाइड्रेट बोलते हैं, किसका, कार्बन का। इसलिए इसका नाम क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट, है ना। यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के परमाणु का अनुपात वही होता है जो किसमें, जल के अणु में होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कार्बन का हाइड्रेट या कार्बोहाइड्रेट। तो आपको पता चला कि इसे कार्बोहाइड्रेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि कार्बन का क्या है, ये हाइड्रेट, इट मींस कार्बोहाइड्रेट। ओके, वन चीज तो क्लियर हो गई। दूसरी चीज, इसको सैकराइड के रूप से जानते हैं हम लोग। क्या कहते हैं, सैकराइड्स। सैकराइड्स देखिए, इसकी हिंदी में इस तरह से लिख देंगे सैकेराइड्स, ये इंग्लिश में ही पूछेगा आपसे सैकेराइड्स। अब सैकेराइड्स देखते हैं। सैकेराइड्स आप सिंपल समझिए कि एक शुगर है, है ना। सैकेराइड्स के चार प्रकार होते हैं, उन्हें मैं समझाता हूँ, उनकी प्रॉपर्टी बताऊंगा, है ना। तो पहला है मोनोसैकेराइड्स, ठीक है, मोनोसैकेराइड्स। दूसरा है डाइसैकेराइड्स, तीसरा है ओलिगो, एंड लास्ट वन पॉलीसैकेराइड, है ना, पॉलीसैकेराइड्स। ओके, तो कितने प्रकार होते हैं सैकेराइड्स के, चार प्रकार होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट को ही सैकेराइड्स के रूप में जाना जाता है, तो सेम ही है ना, उसमें कोई अंतर नहीं है। नहीं, आप कहें कि कार्बोहाइड्रेट पड़े थे, सैकेराइड कहाँ पहुंच गए। ओके, तो सिंपली देखते हैं आज इनकी पहले विशेषता देखते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, है ना, ये सब पढ़ेंगे। राइबोज क्या होता है, तो उन लोगों को मैं बताऊंगा। स्टार्च, है ना, ग्लाइकोजन क्या है, तो उसे हम लोग समझेंगे। तो उससे पहले इनके क्लासिफाइड तो अलग करेंगे, पहले इनकी विशेषता देखते हैं कि इनकी कॉमन विशेषता क्या है, यानी प्रॉपरली क्या कहते हैं इसे, ना। और कार्बोहाइड्रेट शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता पूर्ति करते हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर में जो एनर्जी की जरूरत होती है उसको पूरा करते हैं। तो सबसे पहले मैं तीन की विशेषता बता दे रहा, इन तीनों की एक ही विशेषता है ना। इसे मोनो क्यों बोलेंगे, किसकी, इसमें जो सिंपलेस्ट अणु होगा एक होगा, इसका अर्थ कार्बोहाइड्रेट का एक होगा। इसके दो होंगे, है ना, कार्बोहाइड्रेट के क्या होंगे, डाई का दो, मोनो का वन। ओलिगो में जो क्लासिफाइड किया गया है वो किया गया है दो से अधिक, लेकिन 15 तक, है ना, तो 2 से 15 तक। और ये पॉली है, पॉली है तो 15 से अधिक कर लीजिए ना, 15 से अधिक। ये जो तीनों हैं, एक ये तीनों, यानी कि मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड, इनकी विशेषता एक सी होते हैं, ठीक है।
आपको सिंपली ये याद रखना कि पूछेगा कि इसकी विशेषता ये है, पानी में घुलनशील है, इसका कलर क्या है, तो आप ऐसे रटोगे ना, जैसे इसकी भी। अब मैं सिंपली इसके लिए सबसे सरल बताता हूँ ताकि आपको एक बार में भूल जाएगी। आपको इन तीनों की विशेषता याद रखने के लिए एक की विशेषता रखना है, शुगर की। शुगर तो जानते ही सबको है ना, चाय बहुत पीते होंगे है ना, चाय कॉफी जो भी है ना आप प्रेफर करते हैं। तो शक्कर, तो शक्कर में इम्पोर्टेंट है शक्कर की विशेषता। आप मुझे बताइए कि शक्कर की विशेषता क्या क्या होती है, या इसी को शक्कर की जगह आप चीनी के रूप में जानते होंगे है ना, चीनी या शक्कर। तो चीनी या शक्कर की विशेषता है ना, सिंपली पहली चीज क्या इसका कलर होता है, तो नहीं होता, कलरलेस होती है ना, तो क्या होगा, रंगहीन। तो पहली विशेषता इन तीनों की मिल गई, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड्स की, ये क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं, इट मीन्स कलरलेस होते हैं, इनका कोई भी कलर नहीं होता। दूसरा, शक्कर को आपने देखा होगा कैसी होती है, क्रिस्टल क्रिस्टल फॉर्म में होती है, इसलिए दूसरी विशेषता हो गई कि ये तीनों सैकेराइड किस फॉर्म में होंगे, क्रिस्टली फॉर्म में होंगे ना। नेक्स्ट इसकी अगर विशेषता देखें शक्कर की, तो क्या होगी, जल में घुलनशील होती है, तो ये तीनों भी जल में क्या होंगे, घुलनशील होंगे ना, जल में क्या होंगे, घुलनशील होंगे। लास्ट, इनका टेस्ट शक्कर का कैसा रहता है, सभी को पता है चीनी कैसी होती है, मीठी। तो अगली विशेषता है कि ये तीनों क्या होंगे, स्वाद में मीठे होते हैं है ना, तो स्वाद में मीठे होते हैं, ये सिंपली। अब आपको सिंपली याद रखना है कि जब भी आपसे पूछे जाए मोनोसैकेराइड की विशेषता, तो रंगहीन होते हैं, क्रिस्टली होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, तीनों की विशेषता एक सी है। तो आप मेंशन भी लिखाएंगे कार्बोहाइड्रेट क्या है, सैकेराइड्स क्या है, यदि आपसे पूछता है ठीक है, तो आप ये तीनों विशेषता लिखिए इन तीनों की। अब देखते हैं हम लोग पॉली की है ना, ठीक है। तो पॉली में आपको याद रखना है किसी भी किसकी, घास की विशेषता है ना, जो ग्रॉस होती है ना, ग्रॉस उसकी विशेषता रख रहे हैं। जैसे मान लो इसमें आप याद रख सकते हो कि पालक जो आप खाते हो है ना, पालक की भाजी खाई जाती है ना, स्पेनिच ठीक है, तो पालक की विशेषता रख लीजिए, या पत्ता गोभी की रख लीजिए, पत्ता गोभी इसका अर्थ है कैबेज है ना, फूल गोभी नहीं, कॉलीफ्लावर नहीं ठीक है, पत्ता गोभी, कैबेज, बंद गोभी है ना ठीक है, जिसे कहते हैं। इन दोनों की विशेषता मुझे बता दिए ठीक है, या घास की विशेषता, घास की विशेषता पहली चीज रंगहीन नहीं होती, इसका अर्थ रंगीन होती है ना ठीक है। तो पहली चीज कि ये क्या होगी, कलर होती है, तो रंगीन, या इसकी अपोजिट भी आप याद कर सकते हैं, इसके जो अपोजिट है सेम वही है। अब घास क्रिस्टली नहीं होती तो क्या होती है, अक्रिस्टली, तो दूसरी विशेषता क्या हो गई, अक्रिस्टली होते हैं ये ओके, तो क्या हो गया, अक्रिस्टली हो गया। नेक्स्ट अगर देखें क्या पानी में घुलनशील होती है, तो नहीं होती, तो क्या लिख देंगे, अघुलनशील होती है ना, अघुलनशील होती है पानी में। और क्या स्वाद में मीठे होते हैं, तो नहीं, स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, तो नेक्स्ट क्या हो गया, स्वाद में मीठे नहीं होते हैं ना। ये आप देखिए, आपको इजी वे में, सबसे इजी वे में याद हो गया, इसलिए आप लोग जब भी बायोलॉजी पूरा पढ़े तो उसमें थोड़ी सा हिंट की जरूरत रहती है, तो स्पेसिफिक वे में पूरी इसी तरह से बायोलॉजी करवाऊंगा, तो आप प्लीज पूरे वीडियो देखिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए लीजिए ना। तो देखते हैं मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड्स, आपसे स्टेटमेंट है कि इनके बारे में क्या कथन सत्य है। तो पहला, रंगहीन होते हैं तो बोलेंगे सत्य है, दूसरा बोलेंगे क्रिस्टली है तो हाँ क्रिस्टली है, जल में घुलनशील होते हैं तो हाँ जल में घुलनशील होते हैं, ये स्वाद में मीठे होते हैं तो स्वाद मीठे हैं, तो इसका अर्थ उपयुक्त सभी हैं, चारों हैं है ना, तो चार विशेषताएं याद हो गई। अगर आप इसी तरह पॉली की पूछ लें, बोले रंगीन है तो बोले हाँ रंगीन होते हैं, अक्रिस्टली होते हैं तो अक्रिस्टली होते हैं, अघुलनशील है तो अघुलनशील होते हैं। आपको पालक की विशेषता याद कर लेनी है, सिंपली हो गया ओके। तो अब देखते हैं हम लोग सैकेराइड्स के, जो इनकी भी सब कैटेगरी है और नाम किस नाम से जाने जाते हैं, वो नाम देखते हैं हम लोग ओके। ओके गाइस, तो हम लोग देखते हैं क्या सैकेराइड्स, सैकेराइड्स के जो हमने प्रकार किए थे, सैकेराइड्स ओके। अब देखते हैं सैकेराइड्स में, हिंदी में इसे आप याद कर सकते हैं सरकरा है ना, सरकरा कहते हैं सैकेराइड्स को ओके।
मैं इसकी देवनागरी भी लिखी थी ना, सैकराइड्स, ओके, जिससे हिंदी मीडियम में प्रॉब्लम नहीं आती। ओके, तो पहला हमने इसका देखा था मोनो, मोनोसैकराइड्स। दूसरा हम लोग स्टडी करेंगे इसके तहत डाइसैकराइड्स एंड ना, एंड लास्ट वन करेंगे पॉलीसैकराइड्स। आपको ओलिगो नहीं पढ़ना रहता, ना ही एग्जाम में वो पूछता है ना, ठीक है, ना ही इतना खास इंपॉर्टेंट होता है। आपको ये तीनों पढ़ना रहता है, मोनो, डाई और पॉलीसैकराइड। सबसे पहले देखते हैं मोनो। मोनो को दो प्रकार से बांटा गया इसमें भी, हेक्सोज एंड राइबोज, हेक्सोज एंड राइबोज। हेक्सोज आप जानते हैं हेक्सा है ना, तो हेक्सा क्या होता है, सिक्स, ठीक है, तो इसका अर्थ इसमें कितने होंगे, C6 है ना, H12O6 इस तरह से होंगे। आप इसमें फॉर्मूला में मान रखे हैं इस तरह से 2N जो था ON, तो N बराबर यहाँ के रख रहे हैं 6, तो क्या होगा, हेक्सोज, ठीक है। तो हेक्सोज क्या होती है, मोनोसैकेराइड होती है, एंड राइबोज भी क्या होती है, सॉरी है ना, राइबोज नहीं, यहाँ पेंटोज है ना, इसका प्रकार है, तो एक होता है हेक्सोज एंड अनदर इज पेंटोज। ओके, पेंटोज में राइबो आएगा, पेंटा है ना, क्या होता है, 5, तो C5 है ना, इस तरह से होगा, तो C5 रखेंगे तो आप क्या होगा, H10 एंड O5। ये एक्सेप्शन है इसका, ठीक है, मोनोसैकेराइड्स का। तो सबसे देखते हैं पहले हेक्सोज। हेक्सोज के तीन प्रकार होते हैं, है ना, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। तो पहला ग्लूकोज, देखिए मैं इनको एक सिक्वेंस रखूंगा ताकि आपको याद हो सके जब आप पढ़ेंगे, है ना, तो मैं अभी बताऊंगा कि डाई कैसे तोड़ेंगे, तो वेरी इजी है, बस थोड़ी सा आप देखते रहिए ना, ठीक है, पेशेंस में। फ्रक्टोज सेकेंड कौन सा होता है, फ्रक्टोज, एंड लास्ट वन इज गैलेक्टोज। गैलेक्टोज है ना, ठीक है, तो आपको तीन याद रखना है, एक तो ग्लूकोज, मैं देवनागरी में लिखे दे रहा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड दिस इज अ गैलेक्टोज। ओके, तो ये गैलेक्टोज हो गया, इनके हिंदी नाम कुछ भी नहीं है, ग्लूकोज ही कहते हैं इसे, है ना, नहीं आप लोग कहें किसका हिंदी, तो इसलिए मैंने देवनागरी में लिख दिया, ग्लूकोज ही कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं डाई, इसके तहत पेंटोज की जगह आपको एक ही याद रखना है, राइबोज। ओके, राइबोज क्या होता है, आपने आरएनए में पढ़ा होगा, है ना, डीएनए और आरएनए में अंतर पढ़ते हैं जब, तो राइबोज जो आरएनए है वो राइबोज शर्करा होती है, तो हम लोग उसे बाद में लेटर डिस्कशन करेंगे राइबोज को। अभी देखते हैं डाई, तो इसकी विशेषता तो आपको याद ही हो गई होगी, सिंपल है ना, सेम आप क्या शुगर की विशेषता याद रखिए, चीनी की पूरी विशेषता यही होती है। देखते हैं डाई, है ना, डाई का मैं एक स्पेसिफिक सिक्वेंस लिख रहा, आपको वही याद रखना है, उससे बहुत ईजी जाएगा, ठीक है। तो पहला आपको याद रखना है माल्टोज, कौन सा याद रखना है, माल्टोज, ओके, एंड सेकेंड वन याद रखना है कि माल्टोज के बाद सुक्रोज, ठीक है, एंड लास्ट वन इज क्या होगा, लैक्टोज। लैक्टोज आपने बहुत पढ़ा होगा, है ना, कि लैक्टोज शर्करा किसमें पाई जाती है ना, दूध में, है ना, तो लैक्टोज आपको ये स्पेसिफिक याद रखना है। मैं बताता हूँ इसके पीछे कारण क्या है, क्या कि मोनो क्या होता है, एक से मिलकर बनेगा, डाई दो से, दो या दो से अधिक मोनोसैकेराइड से मिलकर बनेगा, तो जब ये इसका आप सेवन करते हैं बॉडी में, है ना, तो क्या होगा, ये ब्रेक होता है इसमें, तो ये आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इससे आप ब्रेक होगी क्या क्या बनेगा, तो ये स्पेसिफिक मैंने जो MSL लिखा है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक। तो अब देखते हैं पॉली, तो पॉली में सिंपली तीन याद रखना है आपको, पॉली में जो पहला याद रखना है स्टार्च, जैसे आप लोग स्टार्च नाम जानते हैं ना, स्टार्च सुना होगा, स्टार्च, ठीक है, तो वन क्या हो गया स्टार्च, दूसरा सेलुलोज, इसका भी बहुत नाम सुना होगा आपने, सेलुलोज है ना, जो सेल वाल बनी होती है प्लांट सेल की ना, प्लांट सेल है पादप कोशिका की सेल वाल सेलुलोज से बनी होती है, एंड लास्ट इज ग्लाइकोजन,
ग्लाइकोजन, मैं यहां लिख दे रहा हूं इसे ना, ग्लाइकोजन ना। तो ये ग्लाइकोजन, इसे एनिमल सेलुलोज भी कहते हैं ना, एनिमल के लिए। ये दोनों किस्म होंगे, प्लांट में पाए जाते हैं, एंड दिस इज अ किस्म है, ये एनिमल में पाया जाएगा। ओके गाइस, तो हम लोगों ने देख लिया कि कौन कौन से मोनो, कौन कौन से ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, पेंटोज में एक ही है राइबोज, डाइसैकेराइड के तहत आते हैं माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये आपको याद रखना है। पॉलीसैकेराइड में स्टार्च एंड सेलुलोज आता है, ग्लाइकोजन एनिमल में पाया जाता है, ये प्लांट में पाया जाता है। आपसे पूछ लेगा कि इनमें से स्टार्च कौन सा सैकेराइड है, तो आप क्या आंसर देंगे, पॉलीसैकेराइड। आपसे पूछा जाए लैक्टोज कौन सा, तो बोलेंगे डाइसैकेराइड है ना। इस तरह गैलेक्टोज पूछा जाए तो बोलेंगे मोनोसैकेराइड से। अब सिंपली इसके बाद क्या है, आपको ये याद रखना है कि ये आप ब्रेक कैसे होते हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टार्च को, देख रहे हैं सबसे बड़ा है ना। तो ये क्या होगा, जब भी ये ब्रेक होगा पॉली का सेवन करेंगे तो किसमें होगा, डाई में, एंड डाई किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मोनो में, और कब तक कहीं जाके क्या होगा, पाचन होगा इजी में, ठीक है। तो पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड मोनोसैकेराइड, तो इसका लास्ट में अणु टूटेंगे। तो ये प्रक्रिया तो आपको पता ही है कि जटिल किसमें होगा, इसमें टूटेगा तो कौन सी कहलाएगी, मैंने पढ़ाया था है ना, पहली लेक्चर में बताया था मैंने कि कौन सी प्रक्रिया होगी, कौन सी होगी, किसी पता है आप लोगों को ना, ठीक है। तो ये क्या होगा, कैटाबॉलिज्म होगा है ना, कैटाबॉलिज्म यानी जटिल परमाणु सरल में टूट रहा तो कैटाबॉलिज्म होगा, और प्रक्रिया क्या होगी, एक्सोजेनिक, एनर्जी उत्पन्न होगी यानी कि प्रोड्यूस होगी, उत्सर्जन होगा एनर्जी का है ना, इसलिए जब भी इनका सेवन करेंगे तो क्या मिलती है, एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टार्च है ना, स्टार्च का जैसे किसी ने सेवन किया तो क्या होगा, उससे पहले मैं इनको बता दूं, क्योंकि स्टार्च जब भी आप जैसे इजी वे में इसको याद रख सके कि ये किस में टूटेगा ना। तो पहले माल्टोज, तो माल्टोज जब भी ब्रेक होगा, तो जैसे मैंने यहां पहला लिखा है तो इसके पहले में ब्रेक होगा, ओके। तो माल्टोज जब भी टूटता है तो क्या होता है, दो अणु बनते हैं किसके, सॉरी दो अणु बनेंगे किसके, ग्लूकोज के, यानी ये बनेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज है ना। जब भी ये टूटेगा तो ग्लूकोज के क्या होंगे, दो अणु बनेंगे, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ओके। तो माल्टोज है ना, इजी वे में याद रखेंगे माल्टोज, आपको पढ़ाई के समय सबसे ज्यादा माल्टोज की आवश्यकता होती है ना। मैं इसका इक्वेशन ही लिख देता हूँ है ना, आपको इजी याद रखेंगे, ठीक है। तो आपने माल्टोज को मैं यहां से लिख दे रहा, माल्टोज का जैसे ही आपने सेवन किया तो इससे क्या होगा, ग्लूकोज के दो अणु मिलेंगे आपको, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है। तो इसलिए माना जाता है कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें होती है, माल्टोज में। ये जो माल्टोज पाया जाएगा अंकुरित चने में पाया जाता है, बाले कुछ भी अंकुरित चीज जो होंगी उसमें सर्वाधिक होता है। इसलिए पढ़ाई वाले स्टूडेंटों को है ना, जो पढ़ते हैं एनर्जी का यूज करते हैं, उनको ग्लूकोज की ज्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए उनको क्या सेवन करना चाहिए, माल्टोज। इसलिए सुबह सुबह क्या खाना चाहिए, अंकुरित चने वगैरह ये सभी को, जिससे एनर्जी लेवल आपका हाई रहता है। तो माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज है ना, तो आप डेली क्या खाना, जल्दी अगर सिलेक्शन लेना है तो अंकुरित चने, वरना लेट बहुत हो जाओगे ना, ठीक है। सेकेंड देखते हैं कौन सा, सुक्रोज। तो सुक्रोज किस किस में टूटेगा, उसके लिए सुक्रोज का जब भी सेवन करेंगे तो आप देखें, इसका पहला था तो दोनों ही पहले में टूट गए, अब इसका सेकेंड है तो ग्लूकोज तो सब में कॉमन रहेगा ना, आप किसी भी सैकेराइड का सेवन करें आपको ग्लूकोज मिलेगा ही मिलेगा। तो ग्लूकोज का एक अणु सेकेंड किसका हो जाएगा, फ्रक्टोज का, इसलिए मैंने सिक्वेंस में रखा था कि इसका सेकेंड एक कॉमन रहेगा। तो एक कॉमन आप यहां लिख दीजिए, क्या ग्लूकोज तो सब में रहेगा, सेकेंड क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज हो जाएगा, इसलिए मैंने इस क्रम में रखा था। आप भी ऐसे ही याद रखें और प्लस नोट्स बनाएं, जिससे आपको इजी वे में याद रहेंगे, ना कोई रट्टा ना कुछ है ना, आपके माइंड में एक फ्रेम बना रहेगा कि सेकेंड हमने ये लिखा था तो उससे सेकेंड हो जाएगा। एंड लास्ट में लीजिए लैक्टोज, ठीक है। तो ये किसमें, अब सुक्रोज जो जा पाएगा ये किसमें पाया जाता, गन्ना में है ना, तो ये पाया जाएगा किसमें, शुगर केन में, शुगर केन गन्ने में पाया जाता है सबसे ज्यादा,
ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, टेबल सुगर भी कहते हैं, है ना, क्योंकि ये हमेशा देखा होगा आपने होटल में रखा रहता है टेबल पे, इसलिए इसे टेबल सुगर भी कहते हैं। और इंपॉर्टेंट ये है कि ये सबसे ज्यादा क्या होता है, सुक्रोज ही सबसे अधिक मीठा होता है ना, तो इसी में एक विशेषता याद रख लीजिए, सबसे अधिक मीठा। आपसे नहीं ये पूछ रहे कि निम्नलिखित सैकराइड्स में सबसे अधिक मीठा कौन होता है, तो कौन होता है, सुक्रोज। ओके, एंड लास्ट में देखते हैं ग्लूकोज, सॉरी लैक्टोज, है ना, तो थर्ड क्या है, लैक्टोज। ओके, तो थर्ड वन के लिए आप सिंपली याद रख लीजिए ना कि ग्लूकोज इसमें भी क्या होगा, कॉमन होगा, और प्लस क्या बनेगा थर्ड वाला इसका, मोनोसैकेराइड्स का, तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। अगर को कई स्टूडेंट क्या करते हैं, रट्टा मारते रहते हैं कि इससे ये बनेगा ये बनेगा, आप इस तरह से लिख लेंगे एक बार तो आपके याद रह जाएंगे। ओके, अब देखिए मैं बताने जा रहा हूँ स्टार्च, है ना, क्योंकि व्यक्ति स्टार्च का सेवन करेगा तो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं स्टार्च। एक चीज इसमें सुक्रोज वाले में और आपको एडिशन बता दे रहा कि सुक्रोज वाले में क्या है, यदि सुक्रोज को 180 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान पे अधिक अगर उबाला जाता है तो क्या हो जाता है, ब्राउन सुगर कहलाता है, जिससे गुण बदल जाता है ना। ठीक है, तो दूसरा क्या होगा, अगर इसे 180 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर, है ना, क्या किया जाए, गर्म किया जाए, तो ये कहलाएगा ब्राउन सुगर, है ना, ब्राउन सुगर, जैसे गुड़ भी कहते हैं। ठीक है, इसकी इंग्लिश एक्चुअली जैगरी होती है, है ना, जैगरी यानी गुड़ होता है, तो लेकिन ब्राउन सुगर भी इसे बोलते हैं, सिंपली ब्राउन सुगर यानी भी गुड़ मानते हैं। ठीक है, तो स्टार्च जब भी टूटेगा, देखिए चूंकि ये पॉलीसेकेराइड है ना, स्टार्च कौन सा है, पॉलीसेकेराइड, तो स्टार्च, स्टार्च का किसी ने सेवन किया तो अब स्टार्च है तो किसमें टूटेगा, माल्टोज में, क्योंकि इसका पहला इसमें, इसका पहला इसमें, इसलिए मैंने इस क्रम से लिखा है, तो आपको इजी वे में क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा ना। तो सबसे पहले ये टूटेगा किसमें, माल्टोज में। ठीक है, तो किसमें टूटा ये, माल्टोज में। अब माल्टोज किसमें टूट जाएगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में ना, सिंपली क्या हो जाएगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूट जाएगा। तो इसी तरह ये प्रोसेस चलती रहती है, सेलुलोज सुक्रोज में, है ना, तो इस तरह से ये आप याद कर लीजिए कि ये किस किस में टूटते हैं। तो सिंपली क्या होगा, जब भी आप स्टार्च का सेवन, स्टार्च माल्टोज, माल्टोज फिर दो ग्लूकोज में टूट जाएगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, इस तरह से सेकंड वाला इसमें ये वाला, है ना। ओके गाइस, तो हम लोगों ने इसका पूरा कर लिया। अब मैं एक बार स्टार्च को और समझाता हूँ रेस्पिरेशन में कि क्या होता है, तो उसे हम लोग देख लेते हैं ना। अब मैं जो समझाने जा रहा हूँ वो एक्चुअली क्या है कि चूंकि ग्लूकोज क्या होता है, रक्त में घुला होता है ना। ठीक है, तो ग्लूकोज रक्त में घुला होता है और उसे एनिमल स्टार्च कहते हैं, ग्लाइकोजन को। एक पॉइंट ये रह गया था यहाँ पे कि जो स्टार्च है उस ग्लाइकोजन मैंने लिखा था, उसे एनिमल स्टार्च भी कहते हैं ना, सिंपली हो गया। अब आप देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी समझाया कि स्टार्च जो होगा, है ना, स्टार्च, स्टार्च से जब भी कोई सेवन करेगा तो किसमें टूटेगा, माल्टोज में। ठीक है, तो क्या बनेंगे, माल्टोज बनेगा, जो इससे स्वाद में अधिक मीठा होगा। अब माल्टोज किसमें टूटेगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, याद हो जाएगा ना, बिना ग्लूकोज का एक अणु और ग्लूकोज का भी दो दूसरा अणु, क्योंकि ये डाई था, है ना, माल्टोज क्या था, डाइसैकेराइड्स था, इसलिए दो मोनोसैकेराइड्स में टूटेगा। इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म। हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा था कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म क्या है। कैटाबॉलिज्म होता है कि जब जटिल अणु सरल अणुओं में टूटता है, ठीक है, तो क्या उसे प्रक्रिया क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म। ठीक है, और कौन सी प्रक्रिया होती है, एक्सोजेनिक, इसका अर्थ है ऊर्जा क्या होगी, उत्सर्जन होगा ऊर्जा का, है ना, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। अगर आप तक अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज एक बार आके देख लीजिए, उसमें बेसिक बायोलॉजी मैंने पढ़ाया था ना। ठीक है, तो ये कैटाबॉलिज्म पूरी प्रोसेस हो गई। अब देखिए बॉडी के अंदर जब भी आप स्टार्च का सेवन करेंगे तो ग्लूकोज ग्लूकोज, अब ग्लूकोज तो डायरेक्ट वो नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा, एक ग्लूकोज का मान लो अणु है, है ना, तो ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया प्लस यहाँ मिलेगी ओ टू। अब श्वसन करते हैं, श्वसन में क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं हम लोग, है ना,
ठीक है। तो जब ये प्रक्रिया उससे होगी, ग्लूकोज और प्लस O2 होगा तो क्या बन जाएगा, CO2 है ना, ठीक है, CO2 प्लस H2O और प्लस क्या निकलेगी, एनर्जी। तो हमारी बॉडी क्या मिलेगी, एनर्जी। ये प्रक्रिया होगी और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन, है ना। ये क्या है, श्वसन, रेस्पिरेशन, ठीक है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन। तो एक ग्लूकोज का तो हमने इस्तेमाल कर लिया, अब मान लीजिए एक्स्ट्रा स्टार्च का आपने सेवन कर लिया, तो एक ग्लूकोज क्या होगा, आपके पास सेव होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप भोजन ना करें तो एनर्जी तो रहती ना, तो उस इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एनाबॉलिज्म की प्रोसेस के तहत। एनाबॉलिज्म, ठीक है, तो एनाबॉलिज्म क्या होता है, एडिशन हो जाता है, तो ये जुड़ के क्या हो जाएगा, इसका पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, इसका अर्थ है बॉलीकरण, है ना। अब जुड़ता जाएगा, बहुत सारे जुड़ गए तो बॉलीकरण हो गया, हमारी बॉडी में क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। तो बॉलीकरण से ये बन जाएगा ग्लाइकोजीन में, किसमें जो जाएगा, ग्लाइकोजीन में। अभी हम लोगों को ग्लाइकोजीन देखा था, ठीक है, ग्लाइकोजीन हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन सा है, पॉलीसेक्राइड, है ना, तो ग्लाइकोजीन में चेंज हो जाएगा ये। और ये क्या है, ग्लाइकोजीन का संश्लेषण हो जाता है, पॉलीमराइजेशन। तो कई क्या होगा, इस तरह से ये कई ग्लूकोज मिलकर के ग्लाइकोजीन बना लेंगे, क्योंकि ये पॉली है ना, तो इसका संश्लेषण हो गया। अब ये हमारी बॉडी में स्टार्ट हो गया, जब भी कोई व्यक्ति मान लो उपवास रखता है या बहुत देर तक भोजन नहीं करता है, तो एक ग्लाइकोजीन क्या होता है, गल गल के फिर से अकस्मत चेंज हो जाते हैं ग्लूकोज में और एनर्जी प्रदान करते रहते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद ही ये समाप्त होने लगते हैं। तो अगर ज्यादा आप भूखे रह लिए तो क्या होगा, आपके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा कम जाएगी और आपको चक्कर भी आ सकते हैं ना, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एनिमल स्टार्च कहते हैं। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है, कि आज जो यानी कि रेगिस्तान का जहाज पढ़ा रहा होगा ना, तो उसमें क्या कहते थे, ऊंट को, कैमल को कहते थे, तो उसके तहत पढ़ा रहा होगा कि वो बहुत ज्यादा क्या करता है, स्टार्च का स्टोर कर लेता है ना, ग्लाइकोजीन का, ठीक है, तो यही ग्लाइकोजीन का संश्लेषण बहुत ज्यादा हो जाता है, उसमें स्टोरेज कर लेता है, तो वो क्या करता है, एनिमल स्टार्च उसके पास ज्यादा रहती है, तो उससे गल गल की क्या होती है, एनर्जी मिलती रहती है ना। ओके गाइस, तो हम लोगों ने इसे देख लिया। दूसरी चीज, जो ग्लूकोज है ये एक्चुअली रक्त में घुला होता है ना, क्या होता है, रक्त में घुला होता है। तो ग्लूकोज की विशेषता क्या है, हम लोग जब आप ब्लड पढ़ेंगे है ना, तो उसमें बताऊंगा कि इसमें क्या होता है, रक्त में घुला रहता है। अब रक्त में घुला रहता है, देखो इसे थोड़े से मैं समझाने जा रहा हूँ, जो ब्लड प्रेशर होता है उसको, ठीक है, तो लीवर में ये सब प्रोसेस होगी, तो क्या होगा, ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज के एनाबॉलिज्म हुआ तो किस में बदल गया, ग्लाइकोजन में, है ना, एनाबॉलिज्म। ये पहला लेक्चर आप जरूर देख लें, एनाबॉलिज्म एडिशन होता है, कई छोटे छोटे अणु सरल अणु जुड़ करके एक बड़ा अणु बना लेते हैं, जटिल अणु, है ना। तो क्या बना लिया इन्होंने, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजीन, है ना, ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन फिर से टूट जाएगा, किस में जाएगा, ग्लूकोज, जब आपको जरूरी पड़ी तो कौन सी हो गई, कैटाबॉलिज्म, दिस इज प्रोसेस इज अ कैटाबॉलिज्म, है ना। और ये सभी प्रक्रिया कहां होती है, लिवर में, इसका अर्थ है यकृत, है ना, ठीक है। तो ये चेंज होता रहता है, आपको जैसे मैंने अभी एक पॉइंट बताया था कि जो ये होता है ग्लूकोज ब्लड में घुला रहता है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ग्लूकोज है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लड में घुला होता है ना। तो जब भी व्यक्ति को क्या किया जाता है कि कहते हैं ना कि डायबिटीज हो गई, या तो बीपी चेक किया जाता है कि बीपी बढ़ रहा, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा, घट रहा, वो सब इसकी वजह से होता है ना, किसकी वजह से होता है, ग्लूकोज की वजह से, शर्करा की वजह से। तो हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल आदमी का कितना होना चाहिए, तो आप जब भी डॉक्टर के पास बीपी चेक करवा लेंगे तो दो प्रकार से, एक तो बुलाता है, या तो आपको फास्टिंग बुला लेगा, बोले कुछ भी खाना खा के मत आना, फिर चेक करूंगा, ठीक है, या तो रैंडली आपकी चेक कर दे, आप खाना खा के आए, ठीक है। तो मैं दोनों बता दे रहा कि कब क्या होता है, तो हम लोग दोनों को डिस्कस कर ले रहे हैं। तो जब भी आप किसी की अगर चेक की जाए ना, क्या फास्टिंग के समय, मान लो आप डॉक्टर बोले कि आप क्या कुछ भी खाना खा के मत आना जब चेक करेंगे, तो उस समय अगर चेक करेगा, ठीक है, तो ब्लड शुगर है ना, क्या करेगा, ब्लड शुगर आपका देखेगा, बीपी जैसे नॉर्मल शब्दों में कहते हैं ब्लड प्रेशर, तो ब्लड शुगर आपका चेक करेगा फास्टिंग में, तो ये होना चाहिए 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर।
दूसरी चीज इसकी इकाई याद रख लीजिए क्या है, डेसी लीटर है ना, इसको क्या समझते हैं डेसी लीटर से, ये होना चाहिए 70 मिलीग्राम पर डेसी लीटर से, 100 मिलीग्राम पर डेसी लीटर। ओके, ये कब का है, फास्टिंग के समय। तो जब भी अगर आप देखें तो ये नॉर्मली है रेंज होती है फास्टिंग के समय, यानी किसी भी तत्काल आवश्यकता, तो जैसे आजकल आते हैं ना मापने वाले तो घर में ही आते हैं बहुत सारे उपकरण, तो इससे देख सकते हैं ना। दूसरा, अगर आप रैंडम टेस्ट कर रहे हैं है ना, या डॉक्टर रैंडम टेस्ट कर रहा है ना, फास्ट के समय नहीं, उपवास के समय नहीं, यानी खाना आप खा चुके हैं उस समय अगर कर रहा, तो ये होना चाहिए 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेकर के 200 है ना, 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ओके, वो 80 और 120 जो होता है ना उसे हम लोग अलग से देखेंगे, क्योंकि क्या होता है इन आउट करने पे, तो उसे हम लोग देखेंगे ना। तो नॉर्मली ये होना चाहिए। ओके गाइस, अब देखिए जिसको हो गया डायबिटीज है ना, ये प्रॉब्लम अगर इससे आए तो उसको डॉक्टर शुगर सब्स्टिट्यूट लेने की वो करते हैं। आप लोगों ने जैसे भी बहुत सारे अभी बिस्किट आते हैं, स्वीट्स आते हैं, उसमें लेकर रहता है ये क्या है, शुगर फ्री है, शुगर फ्री यानी उनमें शुगर नहीं पाई जाती, इसका अर्थ उनमें शर्करा नहीं पाई जाती, यानी सैकराइड्स है ना, तो उसे कहते हैं शुगर सब्स्टिट्यूट है ना। तो उसे देखते हैं शुगर फ्री या शुगर सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं, वो लास्ट में समझा दे रहा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आजकल जंक फूड में उसका बहुत इस्तेमाल होता है ना, जंक फूड आप लोग समझते हैं, जंक फूड जो होते हैं बोलते हैं कि उनका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनसे एनर्जी नहीं मिलती है, आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा बट एनर्जी नहीं मिलती है, क्योंकि उनमें ये नहीं होता है, क्या नहीं पाया जाता, सिंपली शर्करा। तो वन लास्ट देखते हैं इसमें, शुगर सब्स्टिट्यूट। शुगर सब्स्टिट्यूट या इसे कहते हैं शुगर फ्री। आपने देखा होगा कि जब भी डायबिटीज के पेशेंट को बोला जाए कि आप स्वीट्स मीठा नहीं खा सकते हो, फिर भी वो कहेगा मीठा खाना है मुझे, तो फिर उनके लिए स्पेशल मीठा आता है, बिस्किट भी आता है, मीठा भी आता है, आप खाइए, आपको कोई असर नहीं होगा, जितना भी खा सके ना। तो डायबिटीज के मरीज को डॉक्टर शुगर फ्री लेने की सलाह देते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट के अणु नहीं होते हैं, इसलिए इसका उपयोग किए जाने पर ब्लड में शुगर की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना, शुगर बढ़ती ही नहीं, साथ ही साथ में शरीर की उपापचय मेटाबॉलिज्म की यहाँ पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। तो ये सिंपल, लेकिन अगर वहीं कम उम्र के बच्चों द्वारा अगर शुगर फ्री का उपयोग किया जाने पर शरीर का वृद्धि और विकास रुक सकता है ना, इसलिए देखा होगा आप लोगों ने जो आइसक्रीम होती है बहुत सारी, उन्हें बोला जाता है कि बच्चों को ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अधिकतर आइसक्रीम किससे बनाई जाती है, शुगर सब्स्टिट्यूट से। तो हम लोग शुगर सब्स्टिट्यूट के नाम देख लेते हैं कौन कौन से, आपसे एग्जाम में इनके नाम पूछ सकता है कि सबसे अधिक कौन होता है ना। तो एक है सैकरीन, देखिए वहां सैकराइन था, ये है सैकरीन है ना, सैकरीन ये सबसे मीठी होती है ना, सैकरीन यानी कि सुक्रोज जो अब सबसे मीठा हम लोगों ने पढ़ा है ना, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, सुक्रोज सबसे अधिक मीठा होता है, उससे ये 500 गुना अधिक मीठा होता है, कितना होता है 500 गुना अधिक मीठा, सोचिए कितना, एक किलो तो इसका 500 है ना, 500 किलो आप शक्कर खा लो ठीक है, और इसका सिर्फ एक वो खा लो है ना, एक किलो ठीक है, 500 गुना का ये अर्थ हुआ ना, कि अगर सुक्रोज का एक किलो तो इसका 500 है ना, यानी कि 500 किलो शक्कर खा लो, इसका एक किलो, सोचिए मीठा बनाने में कितना फायदा होगा, जहाँ पे 5 क्विंटल शक्कर लगनी होगी वहां सिर्फ एक किलो सैकराइड से काम चल जाएगा। दूसरी चीज यह निष्क्रिय होता है ना, सिंपली किसी से क्रिया नहीं करता, अभी पढ़ा मैंने बताया कि शुगर सब्स्टिट्यूट में मेटाबॉलिज्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ठीक है, शरीर के साथ कोई भी रासायनिक क्रिया नहीं करेगा, तो शरीर के साथ कोई भी रासायनिक क्रिया नहीं करेगा हमारी बॉडी के साथ किसी भी ठीक है, और साथ ही यूरिन के साथ शरीर से बाहर चला जाता है ना, यूरिन ठीक है, यूरिन के साथ क्या होता है, शरीर से बाहर चला जाता है, पेशाब जिसे होते हैं हिंदी में, तो यूरिन के साथ क्या होगा, शरीर से बाहर भी चला जाएगा इजी वे में ठीक है। तो इसमें सिंपली सैकरीन, तो शुगर सब्स्टिट्यूट डॉक्टर बोलते हैं यार इसका थोड़ी सा मीठा भी खिला दोगे तो चल जाएगा ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं खाना चाहिए, तुरंत रह सकते हैं ठीक है। दूसरा जो है एस्पार्टेम ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये यूज होता है एक्चुअली है ना सबसे ज्यादा, एस्पार्टेम ठीक है, एस्पार्टेम
ये सुक्रोज से 100 गुना अधिक मीठा होता है ना, तो सुक्रोज से क्योंकि सुक्रोज सबसे मीठी शर्करा है इससे हम लोग तुलना कर रहे हैं, 100 गुना अधिक मीठा होता है। ओके तो कितना होता है, 100 गुना अधिक मीठा होता है। सिंपल इसे अधिक तापमान पर भी इसका विघटन नहीं होता है ना, ये क्या होता है अधिक तापमान पर भी इसका विघटन नहीं होता है। ठीक है, इसका अर्थ है इसका अधिक तापमान पर विघटन नहीं होता है, इनका जल्दी हो जाता है ना। तो अधिक तापमान पर आपको किसकी जरूरत होती है, आइसक्रीम वगैरह की ना, ठंडे पदार्थों में, तो इसलिए उसमें किसका यूज कर लिया जाता है, एस्पार्टम का। इसलिए बच्चों को बोला जाता है ज्यादा आइसक्रीम मत खाइए ना, तो इसका क्या होगा ठंडे पदार्थों में उपयोग किया जाता है, ठंडे पदार्थों में उपयोग है ना। जैसे एग्जांपल आइसक्रीम बनाने में, आइसक्रीम बनाने में इसी का सबसे ज्यादा यूज होता है, किसका एस्पार्टम का। तो आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से ठीक है आइसक्रीम बनाने में कौन सा शुगर सब्स्टिट्यूट यूज किया जाता है, तो वो होगा एंड लास्ट इज सुक्रोलोज। ठीक है देखो ये सुक्रोलोज है ना कि सुक्रोज, ठीक है सुक्रोलोज, सुक्रोलोज एस्पार्टम से भी कम मीठा होता है, आपको सिंपली याद क्या करना है इससे भी कम मीठा होता है। ठीक है नॉर्मली, और अधिक तापमान भी विघटन इसका भी नहीं होता, तो सेम इसकी विशेषता है, तो इसका भी उपयोग किया जाता है। ठीक है शुगर सब्स्टिट्यूट के बारे में सही विकल्प में अगर आप, तो ये इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट से नहीं बने होते हैं, ना ही इससे बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। ओके गाइस अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के, मैं ओनली कुछ और बता दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य अगर पूछेंगे निम्नलिखित कौन सा नहीं है, तो ऑक्सीकरण के द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करते हैं, पहला पॉइंट सही है। शरीर में भोजन संचय करते हैं, हमने देखा था ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें है विटामिन सी का, इसमें क्या करते हैं निर्माण करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट विटामिन सी का निर्माण करता है ना एस्कॉर्बिक एसिड। इसके जस्ट बाद में विटामिन पढ़ाने वाला हूं, तो उसमें हम लोग देखेंगे विटामिन सी क्या होता है ना, एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम कैसे याद कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सरल ट्रिक बताऊंगा, इस बार में इजी याद रहेगा। दूसरा न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करते हैं ये कार्बोहाइड्रेट, क्या करते हैं न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करते हैं। तीसरी चीज जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करते हैं ना, ठीक है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि काइटिन वगैरह आपने पढ़ा होगा। अभी पाया किसमें जाएगा, तो मुख्यतः गेहूं में सर्वाधिक पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, फिर चावल में, फिर मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, सलजम। आलू में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए आलू का नॉर्मली सेवन किया जाता है दुनिया भर में ना कार्बोहाइड्रेट के लिए, गेहूं, चावल, मक्का। ओके गाइस तो हम लोगों ने सैकराइड से पूरा मैंने कंप्लीट कर लिया। एक चीज है कि आप में ये जंक फूड की बात कर रहे थे हम लोग, तो कई बार क्या होता है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में उत्पादन लागत को कम करने के उद्देश्य, कहाँ 500 किलो शक्कर और कहाँ 1 किलो है ना, तो उत्पादन लागत तो उसकी कॉस्ट जो इफेक्ट की प्राइस होगा वो तो कम हो ही जाएगा, कंपनी वालों को फायदा है ना। तो कई लोग क्या करते हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में है ना, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, कई बार उत्पादन लागत को कम करने के उद्देश्य से सैक्रीन का उपयोग किया जाता है, जिससे खाद्यान्न पदार्थ स्वाद में तो मीठे हो जाए लेकिन कैलोरी ऊर्जा की मात्रा अत्यंत कम हो जाती है, क्योंकि जो पदार्थ यूज करेंगे उससे पर ऊर्जा मिलेगी, आपको शुगर से कार्बोहाइड्रेट तो उसमें रहता ही नहीं है ना सैकराइड्स तो आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो ऐसे पदार्थ जिसमें कैलोरी कम मिले, स्वाद में मीठे हो लेकिन कैलोरी कम मिले है ना, और क्या होगा ऊर्जा की मात्रा अत्यंत कम होती है, जिसके कारण ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं जंक फूड कहते हैं। तो जंक फूड वो होते हैं जिसमें ऊर्जा की मात्रा बहुत कम मिलती है, वो जंक फूड कहलाते हैं। ओके मार्केट में सभी अधिकतर प्रोडक्ट जंक फूड कहलाते हैं जो पैकेट्स वाले हैं ना। ओके गाइस तो हम लोगों ने सैकराइड्स कर लिया, आपको ये मेरी क्लास कैसे लग रही है, आपको और क्या कोई इंप्रूवमेंट चाहिए, किसी विशेष टॉपिक पे यदि नोट्स चाहिए या क्लासेस चाहिए तो आप प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर आपको वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, आप मेरी तरफ से जो भी आपकी हेल्प हो सकेगी। ओके गाइस तो एंड लास्ट वन, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिल सकें। ओके गाइस थैंक यू।